गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ड्यू टू हीट वेव के कारण जो है गवर्नमेंट ने अभी ऑर्डर दिया है स्कूलों को बंद करने के लिए। इसलिए हम लोगों ने जो है आप लोगों के लिए जो है ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है, उसके लिए अरेंजमेंट किया है, ताकि आपको जो है पढ़ने में कोई दिक्कत या कोई समस्या ना आए। मैं पंचानंद सर, यानी कि आई पंचानंद सर, टुडे आई विल टेक योर वेरी फर्स्ट लेसन ऑफ साइंस सब्जेक्ट। इट्स फर्स्ट यूनिट इज आवर सराउंडिंग। आज जो है मैं आपका साइंस सब्जेक्ट लूँगा और इसमें आपको फर्स्ट लेसन पढ़ाऊँगा आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारा परिवेश। हमारा परिवेश कहने का मतलब है कि हमारे चारों ओर जो जगह होती है, हमारे घर के आसपास या हमारे स्कूल के आसपास जो जगह होती है, वहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का नाम है, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग मीन्स सजीव वस्तुएं जिनमें प्राण होते हैं, एंड नॉन लिविंग थिंग्स का अर्थ होता है निर्जीव वस्तुएं। ये आपने जो है अपने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 1 और 2 में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में जो है पढ़ा था। अब हम लोग जो है इस लेसन में उसके बारे में और अधिक जानकारी जो है और अधिक नॉलेज जो है हम लोग गेन करेंगे यहाँ से। अब हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस। हम लोग देखते हैं कि हमारे चारों ओर जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अराउंड अस यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे घर के चारों ओर या हम जहाँ जिस परिवेश में रहते हैं उसके चारों ओर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सम ऑफ देम हैव लाइफ। लाइफ यानी कि जो है कुछ वस्तुओं में प्राण होते हैं। वाइल सम ऑफ देम डू नॉट हैव, यानी कि बहुत सारे जो वस्तुएं हैं जिनमें प्राण नहीं होते हैं, यानी कि वो निर्जीव कहलाते हैं, और जिनमें लाइफ होता है वो सजीव कहलाते हैं। यहाँ पर जो है कुछ दिया गया है आपके लिए, एक टास्क है, यहाँ पर वर्कशीट है। रीड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो, यानी कि ये जो बॉक्स दिया गया है येलो कलर का बॉक्स, इसे आपको जो है केयरफुली पढ़ना है और इसे समझ कर जो है ये टेबल को कंप्लीट करना है। थिंक अबाउट वेदर दे आर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। आपको इस बॉक्स में से लिविंग थिंग यानी जिनमें प्राण होते हैं और एंड नॉन लिविंग थिंग यानी कि जिनमें प्राण नहीं होते यानी जो निजी वस्तुएं हैं उनको पिक आउट करना है, चुनना है। और इसे जो डिफरेंट बॉक्स हैं, जैसे लिविंग थिंग का ये आपको एक बॉक्स दिया गया है, इसमें सीरियल नंबर 126 यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें आपको फिल करना है। एंड सेकंड कॉलम में जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में दिया गया है, इसमें आपको 126 जो है सीरियली इसको नोट डाउन करना है। और जैसा कि मैं अभी आपको बताऊंगा डिस्क्रिप्शन इस लेसन में, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं इसे आप देखेंगे कि ये किस कैटेगरी में आते हैं, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, उसके अकॉर्डिंग आप इसे फिल करोगे। अगर कहीं प्रॉब्लम आएगा, इफ़ यू हैव फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, देन आई विल हेल्प यू। हम जो है यानी कि मैं आपको मदद करूंगा इसे कंप्लीट करने में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर, जिसमें है लिविंग थिंग्स के बारे में बताया गया। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? थिंग्स दैट हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, यानी कि वैसी वस्तुएं जो हम लोग अपने सराउंडिंग में अपने परिवेश में देखते हैं जिनमें जीवन होता है, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग थिंग कहते हैं। दे नीड फूड, इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं इन्हें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ये इसके लिए नेसेसरी है, मस्ट है। उसके बाद पानी और हवा, यानी कि भोजन के साथ साथ इसे पानी और हवा की भी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ जो लिविंग थिंग है जिन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे पौधे हैं, पेड़ हैं, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। बाकी एनिमल्स को क्या है?
आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए। दे हैव एन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस और गिव बर्थ, और इनमें एक क्षमता होती है, एक खास क्षमता होती है, उस क्षमता के हिसाब से जो है ये अपने संख्या को, अपनी जो जनसंख्या होती है उसको बढ़ा सकते हैं। एबिलिटी यानी कि उनमें एक गुण होता है, क्षमता होता है टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस यानी कि वो अपने जैसे, जैसे मुर्गियाँ हैं वो अंडे देती हैं और उन अंडों से चूजे वो मुर्गियों की तरह ही निकलते हैं, वो जब वो व्यस्त हो जाते हैं तो वो मुर्गी की तरह ही होते हैं। ह्यूमन बीइंग के बच्चे जो मनुष्य के बच्चे होते हैं वो मनुष्य की तरह दिखते हैं, और जो एनिमल्स के बच्चे होते हैं वो उन्हीं की तरह दिखते हैं। और गिव बर्थ, ये जन्म देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं या जन्म देते हैं, फिर वो बड़े होते हैं एंड चेंज ऑन देयर ओन, और ये जो है अपने आप धीरे धीरे भोजन और बाकी चीज़ों को ग्रहण करके जो है अपने बॉडी को ग्रोथ करते हैं एंड मूव और रेस्पॉन्ड टू द चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट। ये खुद से चल फिरने में सक्षम होते हैं, पेड़ पौधों को छोड़कर बाकी जो एनिमल्स होते हैं या बाकी जो लिविंग थिंग हैं वो चल फिर सकने में या अपने स्थान, अपने जगह को बदलने में सक्षम होते हैं और रेस्पॉन्ड टू द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे परिवेश में जो बदलाव होता है तो उसके हिसाब से अपने आप को ढालने में ये सक्षम होते हैं। जैसे हमें अभी काफ़ी गर्मी लगती है तो हम लोग गर्मी से बचने के लिए क्या होता है, कॉटन क्लोथ्स या लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, घरों में फ्रिज, एसी और फैंस का यूज करते हैं, और हम लोग खाने पीने में जो है कोल्ड ड्रिंक्स अधिक यूज़ करते हैं या आइसक्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं गर्मी से बचने के लिए, और हम लोग जो है अधिक धूप में बाहर निकलने से बचते हैं, यानी बहुत ही ज़रूरी पड़ता है तभी हम बाहर निकलते हैं अपने घरों से। जैसे यहाँ पर ये ह्यूमन बीइंग है, ये अपने आप को सर्दी, गर्मी, वर्षा सभी में अपने आप को ये ढाल लेने में सक्षम है। जैसे हम अधिक गर्मी लगती है तो हम लोग फैंस, कूलर्स, आइसक्रीम्स और जो हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है, पहनावा जो है और जो हमारा पोशाक है, हमारी जो पोशाक होती है उसे हम बदल लेते हैं। जैसे गर्मियों के दिन में हम लोग क्या है, कॉटन क्लोथ, सूती वस्त्र यूज़ करते हैं। जाड़े के दिनों में ठंड से बचने के लिए हम लोग क्या है, वुलन क्लोथ्स यानी कि ऊनी कपड़े का यूज़ करते हैं। और बरसात के दिनों में हम लोग प्लास्टिक से बने या जो पैरासूट के कपड़ों से बने हुए जो अम्ब्रेलाज या रेनकोट्स का यूज़ करते हैं, जो हमें बारिश में भीगने से बचाते हैं। उसके बाद ये कैमल को आपने देखा होगा, हमारे यहाँ आसपास तो कैमल अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि ये रेगिस्तान में पाया जाता है, इसे सीप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, यानी रेगिस्तान का जहाज़, क्योंकि ये ऊँट जो है ये एक ऐसा जानवर है जो अपने आप को उतने गर्म वातावरण में बिना पानी पिए लंबे समय तक अपने आप को जीवित रखने में सक्षम होता है। अगर ऊँट को एक बार अगर हम लोग पूरी तरह से भोजन करा दें तो और पानी पिला दें तो वो भोजन और पानी को अपने इस हम्प में, उसके पीठ पर एक कुंवर होता है उसमें वो क्या करता है, अपने भोजन को जो है वो सुरक्षित रख लेता है, उसे संचित रखता है। और इसके शरीर में, जैसे हमारे शरीर में जब बहुत अधिक गर्मी लगती है तो हमें स्वेटिंग आता है, पसीना आता है, जिससे हमारा जो है काफ़ी वाटर जो है हमारे बॉडी से लॉस हो जाता है। बट कैमल के शरीर में पोर्स, नंबर ऑफ पोर्स जो होते हैं काफ़ी कम होते हैं, जिससे ऊँट को पसीना बहुत ही कम आता है, और इस तरह वो अपने आप को जो है उस गर्म रेगिस्तान में ढालने में सक्षम होता है। उसके बाद प्लांट्स जो हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये अपने आप को जो है परिवेश के हिसाब से बदल लेते हैं। जैसे बहुत ठंडे जगहों में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उसकी वैरायटी अलग होती है, वहाँ सभी तरह के पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, और हमारे जैसे मैदानी इलाके हैं जो प्लेन एरियाज होते हैं, प्लेन रीजन होते हैं, उनमें जो है डिफरेंट टाइप्स के प्लांट होते हैं जो यहाँ के परिवेश में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम होते हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधों में, जानवरों में और ह्यूमन बीइंग्स में एक खास तरह की जो है क्वालिटी होती है और उसमें खास तरह के गुण होते हैं जो अपने आप को अपने परिवेश में ढालने के लिए जो है वो सक्षम
होते हैं, अपने शरीर को या अपने आप को जीवित रखने के लिए जो है वो सक्षम होते हैं परिवेश के हिसाब से ढलकर, अन्यथा जो है उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में जो है नेक्स्ट पैराग्राफ है नॉन लिविंग थिंग्स का। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं जो निर्जीव प्राणी होते हैं जिनमें प्राण नहीं होते हैं, थिंग्स दैट हैव नो लाइफ। नो लाइफ कहने का अर्थ ये है कि उनमें जीवन बिल्कुल भी नहीं होता है, आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग। उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स के कैटेगरी में, नॉन लिविंग थिंग्स के श्रेणी में, यानी कि निर्जीव प्राणी की श्रेणी में रखा जाता है। दीज थिंग्स डू नॉट नीड फूड वाटर एंड एयर। इन चीज़ों को भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता नहीं होती है जीवित रहने के लिए। दीज थिंग्स डू नॉट हैव एन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। और ये अपनी संख्या को स्वतः बढ़ाने में सक्षम नहीं होते हैं और गिव बर्थ, ये जो है अपने जैसे जो है संतान की उत्पत्ति में सक्षम नहीं होते हैं, वो बड़े नहीं होते हैं। चेंज ऑन देयर ओन एंड मोर, ये अपने आप को खुद से बदल नहीं सकते हैं। एंड मोर सॉरी मूव और रेस्पॉन्ड टू द चेंज ऑफ कन्वीनियंट एनवायरनमेंट। और ये जो है हमारे परिवेश में, जैसे हमारा घर है, हमारा घर जिसमें हम लोग निवास करते हैं रहते हैं, या आपकी जो बाइसाइकिल होती है जिसके सहायता से आप स्कूल आते हो, वह अपने आप को खुद नहीं बदल सकती है जब तक कि हम लोग उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। और उसमें सर्दी गर्मी वर्षा का कोई असर नहीं होता है क्योंकि उसमें प्राण नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें जो है निर्जीव प्राणियों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे आप जिस पेंसिल से लिखते हो, आप जिस घर में रहते हो, या आप जिस स्कूल वैन में स्कूल आते हो, वो वैन देखोगे वो सालों से वैसे ही है, ना तो उसके आकार में वृद्धि हुई है, ना तो उसने रिप्रोड्यूस किया है, और ना ही उसे जो है कोई वो खास डिमांड आपसे करती है। आप ज़रूरत के मुताबिक उनमें बदलाव करते हो, या हम सब जो हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है हम उनमें बदलाव करते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इससे पहले वाले पैराग्राफ में, दोनों पैराग्राफ में हम लोगों ने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या खास अंतर है जो दोनों को जो है एक दूसरे से अलग करती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि दोनों में गुणों में क्या अंतर है। लिविंग थिंग्स नीड फूड वाटर एंड एयर। लिविंग थिंग्स को जो है भोजन की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है और एयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लिविंग थिंग की कैटेगरी में आते हैं हम सब, तो हमें समय समय पर भोजन और पानी, पीने के लिए पानी, नहाने के लिए पानी, और सांस लेने के लिए जो है हमें शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स जो होते हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है एंड एयर टू लिव, यानी कि उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। इनके बिना उनमें प्राण की कल्पना यानी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड यानी कि भोजन जो होता है उससे लिविंग थिंग्स को, जो जीवित प्राणी होते हैं, उनको एनर्जी यानी कि बाकी अन्य कामों के लिए उनको वहाँ से ऊर्जा मिलती है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, पेट्रोल से मिलती है। वैसे ही जो लिविंग थिंग होते हैं, जो सजीव प्राणी होते हैं, जैसे मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, उनको काम वगैरह करने के लिए जो है, या अपने जो दिनचर्या है उसको कंप्लीट करने के लिए, जो डेली वर्क है उसे कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और अपने अलग अलग कामों को पूरा करने के लिए जो है उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो उन्हें कहाँ से मिलता है, फूड से यानी कि भोजन से हासिल होता है।
ह्यूमन एंड एनिमल्स ईट फूड, ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं यानी ह्यूमंस यानी कि मनुष्य जो होते हैं और जो जानवर होते हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता, ये भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं एंड टेक इन एयर टू ब्रीथ और जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। दे ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, ये जो है पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे हम लोग अपने भोजन में बहुत तरह के पेड़ पौधे साग सब्जियों का यूज करते हैं एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स और दूसरे जानवरों पर हम लोग डिपेंड रहते हैं मांस के लिए, प्रोटीन को पूरा करने के लिए, एनर्जी रिसोर्स को पूरा करने के लिए जो है हम लोग इन पर डिपेंड रहते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, प्लांट्स जो है मेक देयर ओन फूड यानी कि ये अपना भोजन जो है ये स्वयं बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी और क्लोरोफिल की मदद। सनलाइट जो सूर्य का प्रकाश होता है, हवा होती है और पानी, इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं। क्लोरोफिल जो है ये आपके लिए इस चैप्टर में एक नया शब्द है, न्यू वर्ड है। और क्लोरोफिल का मतलब ये है, उसका अर्थ ये है कि पत्तियों में जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जिसके कारण ही उसका कलर जो है वो ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। और इस क्लोरोफिल के बिना पौधों में भोजन नहीं बन सकता है। ये क्लोरोफिल ही ऐसा पिगमेंट है जो सनलाइट को कैप्चर करके हवा और पानी की मदद से जो है वो भोजन तैयार करता है पौधों के लिए। पत्तियां जो है इसी की सहायता से भोजन को तैयार करती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ये जो पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है इसे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू देयर रूट्स, प्लांट्स जो है हमारी तरह डायरेक्टली पानी नहीं पीते हैं, वो पानी को जो है अपने जड़ में जो पोर्स होते हैं, जो नोड्स होते हैं, उसी से वो पानी को सीमित मात्रा में धीमे धीमे करके अपने लिए वो यूज करते हैं, सोखते हैं एंड टेक इन एयर थ्रो देयर लीव्स और वायुमंडल में जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है वो अपने पत्तियों में जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उनकी सहायता से उसे ग्रहण करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक साइकिल, पेंसिल, रिवर, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे साइकिल, उसके बाद पेंसिल हो गए और रिवर्स यानी कि जो नदियां हैं, डू नॉट ईट फूड, ये भोजन ग्रहण नहीं करते, इन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये पानी भी नहीं पीते हैं एंड टेक इन एयर और ये हवा को भी सांस के रूप में नहीं लेते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर जिसका टॉपिक है या पैराग्राफ का नाम है लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, इसमें कैरेक्टरिस्टिक होता है जो हम लोग जैसे कि यहाँ टॉपिक में स्टार्ट किए थे कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें हम लोग सबसे पहले जो लिविंग थिंग्स है उसके गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिविंग थिंग का वो है लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस यानी कि लिविंग थिंग्स जो है अपने ही जैसे जो है प्राणियों को जन्म देते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग, मनुष्य जाति जो है वो अपनी ही तरह के संतान की उत्पत्ति करते हैं और जो मुर्गियां होती हैं वो अपनी ही तरह के जो चूजे जो है उनको जन्म देते हैं अंडों की सहायता से, और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स भी जो है अपने ही तरह के जो है संतान की उत्पत्ति करते हैं जिनसे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। लिविंग थिंग्स हैव एन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग का एक दूसरा खास गुण है कि उनमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता है यानी कि वो अपने ही जैसे जो है प्राणियों को जन्म दे सकते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। ह्यूमंस गिव बर्थ टू देयर बेबीज, ह्यूमन बींग्स जो है अपने छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल्स ले एग और गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, एनिमल्स बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं, जैसे टॉर्टोइस है, क्रोकोडाइल है, ये अंडे देते हैं, स्नेक ये अंडे देते हैं और उन अंडों से जो है उनके ही जैसे जो है बच्चे जन्म लेते हैं और व्यस्त होकर उन्हीं की तरह बन जाते हैं। जैसे ह्यूमन बींग या काव है, बफेलो है, हॉर्स है, वो बच्चों को जन्म देते हैं डायरेक्टली, वो अंडे
नहीं देते हैं। इन्हें मैमल्स कहा जाता है। वंस सम एनिमल्स लाइक बर्ड स्नेक्स एंड फिशेस ले एग्स, जैसे कि चिड़िया हो गए, पक्षी हो गए, सांप हो गए, और जो मछलियां हैं वो अंडे देते हैं। बेबीज हैच आउट फ्रॉम एग्स आफ्टर फ्यू डेज, और उन अंडों से जो है और कुछ समय के बाद जो है उन्हीं की तरह के जो है वो प्राणी जन्म लेते हैं। एक निश्चित समय अंतराल के बाद अंडों से निकलते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं ये आप लोग देख रहे हैं कि ये ह्यूमन बींग्स हैं, ये अपने ही तरह के जो है बच्चों को जन्म देते हैं और धीरे धीरे उन्हें व्यस्तता आती है। और ये है मुर्गियाँ, ये मुर्गी अंडे देती है पहले, उसके बाद चूजे निकलते हैं और फिर वो चूजा व्यस्त होकर जो है बड़ी मुर्गी में परिवर्तित हो जाता है। प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम विच बेबी प्लांट ग्रोथ, और प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस होता है सीड से। ये आपका सॉरी, इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। उम्मीद है अब आपको जो है ये क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि जैसे ओक ट्री कैन लीव, यहाँ पर एक जो है आपके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है दिया हुआ इस बॉक्स के अंदर। ओक ट्रीज कैन लीव फॉर 100 ईयर्स। ओक ट्री जो है ये इसका जीवन काल जो है लगभग 100 साल का होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स की एवरेज लाइफ 70 साल 80 साल की होते हैं, धीरे धीरे जो है मनुष्यों का एवरेज लाइफ जो है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। वैसे ही जो बाकी जानवरों का एक लाइफ साइकिल होता है वो एक निश्चित समय के लिए जीवित रहते हैं और वो जो है निश्चित समय अंतराल के बाद जो है एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद अपनी लाइफ साइकिल को कम्प्लीट करने के बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है स्वतः। अब देखिए प्लांट रिप्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच बेबी प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स जो है वो बीजों को तैयार, प्लांट्स रिप्रोड्यूस सीड्स, सीड्स यानी कि वो बीज तैयार करते हैं जिससे कि जो है बेबी प्लांट जो है वो फिर से तैयार होता है और उसी की तरह नए पौधे बनते हैं और वो जो है आगे सर्वाइव करते हैं और वो लंबे समय तक जो है हमारे साथ होते हैं जिससे कि हमारा जो है लाइफ आगे बढ़ता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कंप्यूटर टेबल बॉल एट्सेट्रा डू नॉट रिप्रोड्यूस और गिव बर्थ, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव प्राणी होते हैं जैसे कंप्यूटर हो गया, टेबल हो गया, बॉल हो गया, यानी कि ये जो है डू नॉट हैव रिप्रोड्यूस और गिव बर्थ, ये अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करते हैं स्वतः स्वतः यानी स्वयं। ठीक है, गिव बर्थ, अगर इनकी संख्या को हमें बढ़ानी पड़ती है तो हमें जो है नए कंप्यूटर्स मार्केट से खरीद कर लाने पड़ते हैं, टेबल्स नए बनवाने पड़ते हैं, बॉल्स हमें नए खरीदने पड़ते हैं, ये फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, ये खुद से जो है अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकते। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर।
इसमें जो है एक अनदर एक दूसरा जो है गुण दिया हुआ है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स का, लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी कि जो लिविंग थिंग होते हैं, जो सजीव प्राणी होते हैं, वो अपनी वो जो है अपने आकार में वृद्धि कर सकते हैं, यानी कि जो है वो धीरे धीरे, जैसे एक बेबी है जो मनुष्य का जो बच्चा है वो जब जन्म लेता है तो आप लोग देखिएगा कि वो धीरे धीरे जो है अपने आकार में वृद्धि करता है। और जैसे जैसे उसे भोजन और सभी चीज़ें मिलने लगती हैं उसमें काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ने लगता है। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड गेट बिगर और टॉलर इन साइज। लिविंग थिंग जो होते हैं वो बड़े होते हैं धीरे धीरे, और वो एक समय ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से वो व्यस्क बन जाते हैं, यानी कि उसके बाद उनके आकार में जो है वृद्धि रुक जाती है। और टॉलर इन साइज, और ये जो है ऊंचे होते हैं, बड़े और ऊंचे होते हैं। उसका बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट देन मैन देन ओल्ड मैन। एक बेबी यानी कि मनुष्य का जो बच्चा होता है ह्यूमन बींग का, वो जो है एक छोटे बालक से लेकर एक एडल्ट में, एक वयस्क व्यक्ति में बदलता है, और वयस्क व्यक्ति के बाद वो एक जो है फुल्ली ह्यूमन कहलाता है। उसके बाद वो जैसे जैसे अपने लाइफ साइकिल में आगे बढ़ता है तो वो बुढ़ापा को प्राप्त करता है, गेट ओल्ड एंड आफ्टर ऑल डाई। और वो जो है जैसे जैसे उसकी उम्र गुजरती जाती है, एक समय ऐसा आता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। ह्यूमन बींग ही नहीं, बाकी जितने भी सजीव प्राणी हैं वो जो है एक अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। पपी ग्रोज इनटू अ डॉग। पपी जो छोटा जो पिल्ला होता है कुत्ते का, वो एक कुत्ते में बदल जाता है। पपी ग्रोज टू बिकम अ डॉग। पपी जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता है और वो पूर्णता जो है व्यस्क कुत्ते में बदल जाता है। और कुत्ता जो है हम लोग अपने घरों में पालते हैं हमारे घर की रखवाली के लिए, और बहुत सारे जो शौकीन लोग होते हैं वो अपने घरों में जो है मनोरंजन के लिए जो है डॉग्स वगैरह पालते हैं या रैबिट्स पालते हैं। तो आप देखोगे जब वो नए जन्म लेते हैं तब उनका आकार जो है काफ़ी छोटा होता है, और जैसे जैसे वो भोजन को ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, समय बीतता है तो उनके आकार में वृद्धि होने लगती है। सीड्स ग्रो इनटू अ सैपलिंग। सीड जो पेड़ से जो हमें बीज प्राप्त होता है वो जब अंकुरित होता है तो उस अंकुरण के बाद वो जो है एक छोटे से पौधे के रूप में तैयार होता है। देन इनटू अ प्लांट, उसके बाद एक वो जो है धीरे धीरे एक वो पौधा जो है वो बड़ा होता है। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं फिगर में, ये जो है बीज से अंकुरित होकर एक नन्हा पौधा बना, और ये नन्हा पौधा कुछ समय बाद जो है वो इस तरह का दिखाई पड़ता है। आप अपने घर के चारों ओर जो है इस तरह के जो घटनाएं हैं या इस तरह के जो जर्मिनेशन होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद देखोगे जैसे जैसे समय बीतता है तो ये जो है पूर्णता एक बड़े ट्री में जो है वो बदल जाता है, और ये हमें फल फ्रूट्स यानी फ्रूट्स फ्लावर्स सेड यानी कि छाया, और अगर जो फर्नीचर्स वगैरह में या मेडिसिन वगैरह के लिए ये पौधा अगर लगाया गया है तो उसे हमें वो पूरा करता है, देता है। लिविंग थिंग्स लाइक ग्लास बेड वॉश एट्सेट्रा कैन नॉट ग्रो। हमारे घरों में नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि ग्लास, यानी ग्लास जिसमें हम लोग पानी पीते हैं, बेड जिस पर हम लोग शयन करते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, वॉश यानी गुलदस्ता एट्सेट्रा कैन नॉट ग्रो। इनके आकार में कोई वृद्धि नहीं होती है क्योंकि वो निर्जीव प्राणी हैं। लिविंग थिंग्स मूव। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। लिविंग थिंग्स मूव यानी कि जो सजीव वस्तुएं हैं वो स्थान परिवर्तन करती हैं, वो चल सकती हैं। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लिविंग थिंग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ह्यूमन मूव टू डू वेरियस टास्क। ह्यूमन्स यानी कि जो मनुष्य होते हैं ये काफ़ी सारे कार्यों को जो है वेरियस टास्क यानी कि अलग अलग कामों को करने में सक्षम होते हैं। एनिमल्स
एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। शेल्टर यानी कि आवास, जहां वो निवास करते हैं। यहां पर जो है वो आराम भी करते हैं और अपनी जनसंख्या की वृद्धि भी करते हैं उसी आवास में, और वहीं से वो भोजन वगैरह या अपनी ज़रूरत की जो सारी चीज़ें हैं वहीं से वो गेन करते हैं, हासिल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये एक बॉय है, बॉय इज़ गोइंग टू स्कूल। जैसे कि आप बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, तो आप जो है अपने हिसाब से जो है समय पर, नियत समय पर जो है स्कूल के लिए तैयार होते हो और स्कूल पहुंचते हो, जहां आप जो है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ते हो। और इसके लिए आपको क्या है, अपने घरों से चलकर स्कूल तक या तो पैदल यानी कि ऑन फुट सॉरी बाय फुट, और या तो बाइसिकल में आना पड़ता है या स्कूल वैन में आना पड़ता है, जिससे क्या होता है आपका प्लेस में, आपके स्थान में परिवर्तन होता है। दैट मीन्स यू कैन मूव, यानी कि आप स्थान परिवर्तन करने में सक्षम हैं। स्नेक्स को आपको जो है आपने क्रॉलिंग करते हुए देखा होगा, वो रेंगता हुआ जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे लिविंग थिंग का मैंने अभी बताया था, एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक खास गुण होता है कि वो चल फिर सकते हैं, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन भी है, एक अपवाद भी है। प्लांट्स लिविंग थिंग होते हुए भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते। वो स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कार, टॉय एट्सेट्रा कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। ये खुद से नहीं चल सकते हैं। दे कैन मूव बाय ह्यूमंस ओनली। जैसे नॉन लिविंग थिंग होते हैं, नॉन लिविंग थिंग जैसे कार हो गया, टॉय हो गया, कार जिसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसका खिलौने हो गए, उसका चेयर्स हो गए, ये जो है खुद ब खुद नहीं चलते। उन्हें चलने के लिए जो है ह्यूमन बींग की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन यानी कि मनुष्य उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज करते हैं। कार, टॉय, चेयर एट्सेट्रा कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, ये स्वयं नहीं चलते हैं। दे कैन बी मूव बाय ह्यूमंस ओनली, यानी कि ये मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाते हैं और मनुष्यों की सहायता से ही चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग जो है लिविंग थिंग्स के नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, उसके अगले गुण के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स कैन फील, यानी कि लिविंग थिंग्स फील, यानी कि उन्हें जो है अलग अलग चीज़ों को महसूस करने में जो है वो महारत हासिल होती है, वो सक्षम होते हैं। यानी कि सर्दी, जाड़ा, गर्मी, सुख दुख है ना, आलस, फूर्ति, ये सारी चीज़ों का वो अनुभव करते हैं। यू कैन फील द हॉटनेस ऑफ टी एंड कोल्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि आप चाय कितनी गर्म है, उसकी हॉटनेस कितनी है, उसको हम लोग महसूस करके जो है हम लोग उसको अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। अगर चाय बहुत अधिक गर्म होती है तो हम लोग उसे नहीं पीते हैं, थोड़ी सी वो नॉर्मल हो जाती है तब पीते हैं। उस कोल्डनेस ऑफ वाटर, जैसे अभी गर्मियों के दिन में हमें कोल्ड वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग घड़े का पानी या फ्रिज का पानी यूज़ करते हैं। यू कैन ऑल्सो फील पेन व्हेन यू गेट हर्ट, और हमें जो है दर्द का भी अनुभव होता है जब हमें कहीं चोट लग जाती है, जैसे फुटबॉल खेलते समय या साइकिल चलाते समय अगर हम कहीं गिर जाते हैं अचानक से और हमें चोट लग जाती है तो हमें दर्द का अनुभव होता है। यानी कि लिविंग थिंग्स यानी वैसी चीज़ें यानी वैसी वस्तुएं जिसमें प्राण होते हैं वो अपने परिवेश को और अपने जो है सुख दुख इस चीज़ का अनुभव करते हैं, चोट का अनुभव करते हैं, ये सारी चीज़ों का वो अनुभव कर सकते हैं। ये लिविंग थिंग्स यानी जो सजीव वस्तु है, सजीव वस्तु में एक खास तरह का गुण पाया जाता है। एंड यू कैन ऑल्सो फील द
स्मेल ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों के सुगंध को हम लोग महसूस कर सकते हैं। हमारा एक स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होता है जिसे हम लोग नोज कहते हैं, नाक, उसकी सहायता से जो है ये हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्मेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। एनिमल्स ऑल्सो फील द सेम एज ह्यूमन एनिमल्स, यानी कि बाकी जो प्राणी होते हैं, बाकी जो जानवर होते हैं, वो मनुष्यों की तरह ही वो महसूस कर सकते हैं बाकी चीज़ों को। प्लांट्स फील चेंजेस अराउंड देम, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे जो होते हैं अपने उनके चारों ओर जो बदलाव होता है परिवेश में उसके प्रति जो होते हैं वो सचेत होते हैं, सजग होते हैं। व्हेन वी कीप द प्लांट इन सेफ शेड इट गेट्स विदर्ड, यानी कि अगर हम लोग किसी प्लांट को, किसी पौधे को जो है छांव में रखते हैं तो वो क्या होता है, कुछ दिनों में मुरझा जाता है और कुछ दिनों बाद जो है वो उसका जो लुक है काफ़ी ख़राब दिखता है। और वो हो सकता है अगर ज़्यादा लंबे समय तक हम लोग अगर उसे डार्क रूम में रखेंगे तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा और वो मर जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या है, प्लांट्स को समय समय पर अगर हम लोग गमले में अपने घरों में प्लांट्स को लगाया है तो हम लोग इसे जो है एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में जो है धूप में हम इसे निकालते हैं इन्हें, और जो है ये सनलाइट जो उन्हें मिलता है जिससे उनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। और ये जो है अगर सेड में रखे जाते हैं तो मुरझा जाते हैं जिससे क्या है उनकी मृत्यु हो सकती है। इससे पता चलता है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो फील कर सकते हैं, अपने परिवेश को जो है वो जान सकते हैं और उसके प्रति वो सचेत होते हैं। जिस परिवेश में वो अपने आप को ढालते हैं उसमें जीवित रहते हैं, और जिस परिवेश में वो अपने आप को नहीं ढाल पाते वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है या वो सूख जाते हैं। जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स क्या होते हैं, उसे लंबे समय तक अगर धूप और पानी ना दिया जाए तो वो क्या होता है, एक वक्त ऐसा आता है जब वो पूरी तरह से सूख जाता है और नष्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। इस पेज में हम लोग देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स लाइक डॉल, पेपर बोर्ड एटसेट्रा डू नॉट फील एनीथिंग। अभी एक खास कैरेक्टर्स के बारे में, खास गुण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा या आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया, बताया कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें खास गुण होता है कि वो अपने परिवेश को वो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वो ढाल लेते हैं। वैसे ही नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं जैसे डॉल्स हो गए, पेपर हो गया, बोट हो गया एट्सेट्रा, ये जो है डू नॉट फील एनीथिंग, इन्हें किसी भी तरह का महसूस नहीं होता है, वो अपने परिवेश के प्रति जो है सचेत नहीं होते हैं, परिवेश के बदलाव होने से उनमें कोई बदलाव नहीं आता है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स जो है वो सांस ले सकते हैं, उनमें एक खास तरह का गुण होता है, जैसे ह्यूमन बींग अपने नाक से सांस लेते हैं, जानवर अपने अगर मान लीजिए वो जानवर है तो वो अपने नॉस्ट्रिल जो नथुना है नोज वहाँ से वो सांस लेता है। प्लांट्स जो होते हैं वो जो है अपने पोर्स की मदद से, लीव्स जो होती हैं उनकी पत्तियाँ जो होती हैं उनमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पोर्स, स्मॉल पोर्स होते हैं और उसी से वो सांस लेती है। वैसे ही लिविंग थिंग्स ब्रीद, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सांस ले सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीद टू लिव, जितने भी लिविंग थिंग हैं वो जीवित रहने के लिए जो है उन्हें सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है, बिना सांस लिए वो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। ह्यूमंस एंड सम एनिमल्स हैव नॉस्टिल्स टू ब्रीद, ह्यूमंस यानी कि मनुष्य और जो बाकी जो कुछ जानवर होते हैं उनमें नॉस्टिल्स होते हैं, नथुना होता है जिससे कि वो सांस लेते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे एंट, कॉकरोच, उनमें कोई नोज या नाक उनमें नहीं होता है, वो एयर होल्स उनके बॉडी में जो है एयर होल्स होते हैं जिनकी मदद से वो जो है एयर को सर्कुलेट करके सांस लेते हैं। सम एनिमल्स लाइक फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ, कुछ एनिमल जैसे फिश मछलियां जो हैं उनमें गिल्स यानी कि गलफड़े होते हैं जिसकी मदद से वो सांस लेती है। इंसेक्ट्स ब्रीद थ्रू एयर होल्स, इंसेक्ट जो होते हैं जैसा मैंने आपको बताया था कॉकरोच, एंट वगैरह,
वो एयर होल्स की मदद से, उनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों की सहायता से जो है अपने बॉडी में वो एयर को सर्कुलेट करते हैं और वो सांस के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। एंड अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्चर्ड स्किन, और अर्थवॉर्म जो होता है, जो केंचुआ होता है, जो आपको बरसात के दिनों में ज़्यादा दिखाई पड़ता है, जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ये जो है अपने स्किन की मदद से, चमड़ी की मदद से जो है ये सांस लेता है। इसमें ना तो नॉस्ट्रिल्स होते हैं और ना ही एयर होल्स होते हैं, इसके स्किन के थ्रू ही वो सांस ले पाता है। जैसे ये देखिए मछली, मछली के शरीर में क्या होता है, एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग गिल्स कहते हैं, जिसे गलफड़ा कहते हैं, और उसकी मदद से वो सांस लेता है। अग्रासोपर ब्रीथ्स विथ एयर होल्स, और जैसे ग्रासोपर यानी जो टिड्डा होता है, ये उसके बॉडी में जो है काफ़ी अधिक छेद होता है, स्पोर्स होता है, जिसकी मदद से वो सांस लेते हैं। एंड प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, प्लांट जो होते हैं वो स्टोमेटा यानी कि स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा की सहायता से जो है प्लांट सांस लेते हैं। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स, ये बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, जो हमें ओपन आई से, नेकेड आई से वो दिखता नहीं है, इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। प्रेजेंट ऑन देयर लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी कि ये जो है पत्तियों के निचले हिस्से की और ये मौजूद होती हैं, स्टोमेटा मौजूद होता है। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक क्लॉक, डॉग एट्सेट्रा डू नॉट ब्रीथ, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे कि क्लॉक हो गया, घड़ी हो गया, बैग हो गया, बुक्स हो गए, और ये जो है ये सारी चीज़ें वो सांस नहीं लेते हैं। और ये जो है नॉन लिविंग थिंग का गुण होता है कि ना तो वो सांस लेते हैं, ना भोजन करते हैं, ना अपने आकार में वृद्धि करते हैं स्वयं, और ना उन्हें जो है अपने परिवेश के बदलाव में कोई उन्हें बदलाव नज़र आता है। अब ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं जो हूँ आपको जो न्यू वर्ड्स के वर्ड मीनिंग, उसके बाद ये क्वेश्चन जो हैं आपको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके सॉल्यूशंस को मैं आपको थ्रू व्हाट्सएप जो है मैं कल प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप अपने कॉपी में प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे, और जो आपको नंबर दिया जाएगा उस नंबर पर आप इसे चेकिंग के लिए जो है सेंड करेंगे। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको जो प्रॉपरली रेगुलर बेसिस पर जो है आपको जो नोट्स भेजे जाएंगे उन्हें नोट डाउन करना है और उसे सेंड करते जाना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो आप उस प्रॉब्लम को जो है व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट करके जो है उसे शॉर्ट आउट करवा सकते हो। प्रॉब्लम्स लिखकर सेंड करोगे, हम लोग उसे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।